दोस्तों, भारत विकास के मार्ग पर हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां सड़क और पुल का निर्माण नहीं हुआ हो। वैसे तो भारत में लाखों पुल होंगे, लेकिन भारत के कुछ ऐसे पुल हैं जिनका निर्माण होना भारत के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में इन पुलों का निर्माण और लंबाई भी इन्हें बहुत ही खास बनाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पुलों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें भारत के सबसे बड़े और लंबे पुलों में शामिल किया जाता है। नंबर 1, भूपेन हजारिका सेतु। नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य में मौजूद भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल यानी ब्रिज है। असम की लोहिया नदी पर निर्मित इस पुल की लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है। ये पुल असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। साल 2003 में इस पुल का निर्माण हुआ था और 2017 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। दिबांग रिवर ब्रिज। भूपेन हजारिका सेतु के बाद दिबांग रिवर ब्रिज को सबसे लंबा पुल माना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 6.2 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी के ऊपर निर्मित ये पुल बोमजीर और माल के गांवों को जोड़ता है। इस पुल को सैन्य दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे पुल के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पुल की तरफ। महात्मा गांधी सेतु। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग 5.75 किलोमीटर है। दिबांग रिवर ब्रिज के बाद इसे सबसे बड़ा और लंबा पुल माना जाता है। पवित्र नदी गंगा के ऊपर निर्मित ये पुल पटना शहर को हाजीपुर से जोड़ता है। साल 1982 में तैयार इस पुल को आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार और एक बेहतरीन नमूना समझा जाता है। तो दोस्तों, इस बेहतरीन पुल के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। बांद्रा वर्ली सी लिंक। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक माना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 5.6 किलोमीटर है। ये पुल बांद्रा को मुंबई के पश्चिम शहरों से जोड़ता है। आपको बता दें कि इस पुल को राजीव गांधी सागर लिंक के रूप में भी जाना जाता है। इस ब्रिज का निर्माण 2000 से शुरू हुआ था और यह 2009 में बनकर तैयार हो गया था। बोगीबील सेतु। भूपेन हजारिका सेतु के बाद असम का सबसे बड़ा पुल बोगीबील सेतु है। इस पुल की लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित यह पुल डिब्रूगढ़ में है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सैन्य दृष्टि से भी भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। विक्रम शिलाश सेतु। बिहार में मौजूद महात्मा गांधी सेतु के बाद सबसे बड़ा पुल विक्रम शिलाश सेतु है। अगर बात करें इस पुल की लंबाई की, तो इस पुल की लंबाई लगभग 4.7 किलोमीटर है जो NH-80 और NS-31 को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2001 में हुआ था। दीघा सोनपुर ब्रिज। दीघा सोनपुर ब्रिज बिहार की गंगा नदी पर बनाया गया है जो कि दीघा को सोनपुर से जोड़ती है। इस पुल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इस पुल को असम में बोगीबील ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल के साथ सड़क पुल भी माना जाता है। आरा छपरा ब्रिज। भारत के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक है आरा छपरा ब्रिज। ये पुल आरा और छपरा शहरों को जोड़ने का काम करता है, इसी वजह से इस पुल का नाम भी आरा छपरा ब्रिज रखा गया है। इस ब्रिज को वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी पर निर्मित इस पुल की लंबाई लगभग 4.65 किलोमीटर है। आरा छपरा एक रेल और रोड ब्रिज है जिसकी लंबाई 4.65 किलोमीटर है। गोदावरी ब्रिज। राजामुंद्री में गोदावरी नदी पर बना गोदावरी ब्रिज इस समय भारत का नौवां सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। ये पुल कोवरू जिले को दीवानचिरू जिले से जोड़ता है। मुंगेर गंगा ब्रिज। बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी के ऊपर निर्मित ये पुल श्री कृष्ण सेतु के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में बनकर तैयार हुए इस पुल की कुल लंबाई लगभग 3.69 किलोमीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। आपको बता दें कि इस पुल की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में रखी थी। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे लंबे पुल। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।